हेलो दोस्तों, टेलीकॉम ज्ञान सलाह में आपका स्वागत है। और एक बार फिर हम BSNL का टावर से रिलेटेड ड्राइंग लेकर के आए हैं। तो BSNL का जो अभी टावर प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें SBC 20 है, तो उस SBC 20 का जो ड्राइंग है वो लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग देखने से पहले आपको दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल में शेप ऑफ बार देखेंगे तो ए जो दिया हुआ है, और टाइप ऑफ बार में ए है आपका राप का जाली, ठीक है, का रॉड है। बी जो है वो कॉलम का है, सॉरी कॉलम बोल रहे हैं, बी है बीम का, सी कॉलम का, डी चेयर है, ई जो है रिंग हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे S1 और B3 देख रहे होंगे, 10 mm का जो रॉड है वो राफ्ट के लिए है, और B1 B2 है ये बीम का है, बीम का है। C1 25 mm का दिख पा रहा होगा आपको, ये 25 mm का जो C1 है वो है रॉड कॉलम का, ठीक है दोस्तों। और E0 1 2 3 4 5 तक जो है रिंग का है, इसमें कॉलम और बीम दोनों का रिंग है। D है 16 mm का रॉड जो कि चेयर का है दोस्तों। तो चलिए अब देख लेते हैं हम व्यू DD में, तो इसमें आपको दिख पा रहा होगा PCC, ठीक है, M10 का PCC है, चेयर है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा यहाँ पे। फिर ये दिखने के बाद हम देख लेते हैं सेक्शन, ये जो रिंग का सेक्शन है 600 mm का कॉलम है, ठीक है दोस्तों। तो 600 mm का रिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, E4 E3, ठीक है दोस्तों, 8 mm का है। और यहाँ पे आपको मेन बीम में देख लेते हैं, यहाँ पे कॉलम आपको दिख रहा है और मेन बीम 100 mm का PCC है, और राफ्ट का जो ढलाई है, राफ्ट का ढलाई है नीचे वाला जो जाली होता है उसका है 250 mm का ढलाई, ठीक है दोस्तों। बीम जो है मेन बीम का है, जो ढलाई जो है वो हाइट होगा 850 mm और चौड़ाई है 400 mm मेन बीम का, ठीक है दोस्तों। और बीम वन में यहाँ पे हम देख लेंगे जो ढलाई है राफ्ट का, दोस्तों सेक्शन AA में भी दे रखा है, ब्रीफ में आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके इसको यहाँ से आप अच्छा से देख सकते हैं। यहाँ पे S1 स्टील दिखाए हुए हैं सेंटर 200। तो ये रहा कॉलम का इस तरह का, और सेक्शन FF में दिख पा रहा होगा कॉलम और बीम दिखाया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्लान ऑफ राफ्ट स्लैब जो है, ये है प्लान ऑफ, 4 कॉलम है दिख पा रहा होगा, स्क्वायर में गड्ढा करना है, ढलाई लेकर के जो है जो एक्सीवेशन है, और राफ्ट का ढलाई है 5 मीटर 400, ठीक है, 5 मीटर 200 होगा बिछाएंगे जाली, 5 मीटर 400 ढलाई होगा, तो 1 मीटर बढ़ा करके आप 6.5 मीटर का लेआउट करके गड्ढा करवाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मेन बार यहाँ पे मेन बीम दिखा रहा है, चारों कॉलम को जो कनेक्ट करेगा मेन बीम आउटर साइड से, ये हो गया 400 बाई 850, 400 चौड़ाई 850 इसका हाइट हो जाएगा। सेकेंडरी बीम जो है दोस्तों 350 चौड़ाई है और 700 इसका भी हाइट है, ठीक है। सेकेंडरी बीम में जो स्टील है वो सेकेंडरी बीम में स्टील 20 mm का है, और मेन बीम में जो स्टील है वो 25 mm का है रॉड, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं और ढलाई कितना है, तो बिल ऑफ मटेरियल में आपको आइटम दिख रहा होगा, RCC है 16.384 क्यूबिक मीटर का, PCC 2.58 mm का क्यूबिक मीटर का, तो PCC M10 का है, और RCC जो है कंक्रीट है वो M20 का है रेशियो, ठीक है। स्टील 2326.39 kg आ जाता है इंक्लूडिंग ये इसमें 5% वेस्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए हैं दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोई भी सलाह सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।